अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असम महमूद और आज मैं आपको दिखाने लगा हूं अपने फर्स्ट व्लॉग के अंदर अपना छोटा सा जो मैंने घर की छत पर एक फार्म सा बना रखा है मुर्गियों का। बस शौक है, एक शौक पाला हुआ है मैंने और कुछ नहीं, वो आपको विज़िट करवाते हैं। तो ठीक है, चलिए फिर हम शुरू करते हैं इसको। ये जी सामने ना डब्बे बना रखे हैं मैंने, ये एक डब्बा एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये तीन दरवाजे बने हुए ना इस तरह से। तो चलिए आपको दिखाती है, अभी इनके ना खाने का टाइम हो चुका है तो ये अभी बहुत बेसब्री से हुए पड़े हैं। ये तो बड़ी मुर्गी है ना, ये कोई इतना बेसब्री नहीं करती, तो ये वाली छोटी जो है ना ये बहुत ज़रा बेसब्री का इजहार करती है। ये कहती बस हमें दे दें, जो भी खाने को देना ना वो दे दें। ये देखें ये जनाब बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही तेज़, ये बड़ी शैतान से होती है। चलो भागो जिसे। तो ये वाले अभी इनको खाने का टाइम है, इनको खाना देते हैं जी। सुबह का टाइम है, ये सुबह तकरीबन 6:15 बजे का टाइम है। अच्छा ये जो है ये उनसे बड़ी है, लेकिन अभी ये ना मुर्गियाँ अंडों पे नहीं आई, अंडे देने वाली हैं। ये देखो बाहर निकल के भाग पड़ी है, कितना प्यारा मुर्गा हमारा। और ये वाइट मुर्गा जो ना ये सील मुर्गा है। तो ये देखिए ये सारे निकल के बाहर भाग पड़े हैं, ये इस तरह ही करते हैं, थोड़ा सा दरवाज़ा खुलने की देर है भाग पड़ते हैं बाहर। तो चलिए अब मैं आपको और भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ ये उनसे छोटे हैं, जो भी देखे हैं आपने ये उनसे भी छोटे हैं थोड़े से। ओ गंदे बच्चों बाहर मत, ओ ये देखा ये नीचे गिर गए हैं कुछ, और ये वो उनसे छोटे हैं। ये भी इस वक्त इनको बड़ी भूख लगी हुई है, तो ये भी खाने के चक्कर में है कि हमें कुछ खाने को दे दें। तो ये इनमें से कुछ बाहर निकल गए, मुझे जिनको पकड़ना पड़ेगा। चलिए हम इनको बाद में देखते हैं। तो अब मैं आपको और विज़िट करवा दूँ। अच्छा यहाँ नीचे ना ये देखिए, ये नीचे एक और हिस्सा है हमारे पास, इसमें भी कुछ मुर्गे हैं। ये देखिए सील मुर्गे मेरे पास बड़े प्यारे से। वो बाहर निकलो, मारेगा तुम्हें गंदे बच्चे। चल चल आ जा बाहर, चल। तो इनको भी हम ना बाद में निकालेंगे, इनको खाना वाना बाद में देते हैं। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहीं तक बात ख़त्म नहीं होती कि मैंने ये थोड़ी थोड़ी मुर्गियाँ से रखी हुई, शौक है, शौक ऐसे ही होते हैं। यहाँ देखें आप, यहाँ देखें ये एक कबूतरी है जो कि अंडे पे बैठी हुई है, और ये इसके साथ वाला कबूतर ये एक जोड़ी है। और यहाँ नीचे आ जाए ना, तो यहाँ नीचे कुछ और कबूतर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें इधर ये कबूतर, ये दो दिन पहले ही वाला कबूतर है ना जो इस तरफ जा रहा है, जो ये पिंक कलर की डब्बी के ऊपर खड़ा हुआ है ना, तो ये दो दिन पहले हमारे पास आया, कहीं से उड़ता हुआ आ गया। ये सारे बच्चे जो ना इन्हीं कबूतरों के हैं, ये रेड वाले, वो जो ब्लैक वाले वो इनके नहीं, रेड वाले इनके हैं। तो ये देखें जी इन्होंने अपना दाना ढूँढ लिया, ये अपने दाना को काम शुरू कर दिया इन्होंने। तो अब मैं इनको दाना देता हूँ, फिर मिलते हैं हम। ये इनक्यूबेटर है और इसमें मैंने कुछ अंडे रखे हुए हैं, तो आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये बहुत खूबसूरत तरीके से काम कर रहा है, और यहाँ पे ये कुछ इसके अंदर वो आस्ट्रेलो मुर्गी के और देसी मुर्गी के और ये मुख्तलिफ़ किस्म के अंडे जो है ना इसके अंदर पड़े हुए हैं। अच्छा यहाँ पर ना ये नीचे कुछ और अंडे भी हैं, मैं आपको ये उतार के दिखा देता हूँ। ये ऐसे बाहर निकल आती है ट्रे, और ये भी कुछ नीचे अंडे पड़े हुए हैं। यहाँ से बच्चे निकलने वाले हैं और आने करीब इसमें से ना बच्चे निकल आएंगे, जो शायद एक दो दिन में ये निकल आएंगे। तो जैसे ही निकलेंगे फिर आपको और वीडियो बना के इसकी दिखाते हैं। तो अब हम इस ट्रे को दोबारा से वापस लगा देंगे इसके अंदर, और ये इस तरह से ये मशीन काम करती रहती है, अपना UPS पे लगाई हुई है, तो उसकी वजह से ना ये मतलब बंद नहीं होती और ये चलती रहती है और बेहतरीन काम करती है, 90% से ज़्यादा रिज़ल्ट देती है। दोस्तों दाना तो मैंने इन सबको दे दिया, अब इन सारों ने दाना वाना खाना शुरू कर दिया, आपको दिखा देते हैं अभी। ये देखिए यहाँ पर ये जो छोटे वाले हैं, पहले ये आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए इन सब ने अपना काम करना शुरू कर दिया। ये देखिए जी ये इस तरह से दाना खाना शुरू कर दिया इन्होंने। ये अब इस तरह सारा ये दो दिन में दो टाइम में देता हूँ इनको, सुबह को और शाम को। तो इसके अलावा पानी वानी दे देते हैं, और सारा दिन ये अपने डब्बे में रहते हैं, ना इनको बाहर निकालते हैं, ये इसी तरह ही रहते हैं और मज़े से खूब मज़े करते हैं। और ये देखें ये
कितना प्यारा मुर्गा बढ़ रहा है, ये बहुत बेहतरीन है हमारा मुर्गा। और ये भी शरारती भी करने लग गया, तंग करता है दूसरों के साथ, लड़ाइयाँ भी करता है। तो अब आपको दूसरा भी दिखाते हैं, इसको बंद कर देते हैं हम। ये आजकल कुछ खा दे नहीं, थोड़ी सुस्त हो गई है, पता नहीं इनको ठंड लग गई है, अभी ठंड तो आई नहीं इतनी। ये वाली मुर्गियाँ जो है ना, ये वाली, ये हमारी मुर्गियाँ कुछ थोड़ी सी ना सुस्त सी हो गई। ये मुर्गा देखिए कितना प्यारा है। मुर्गे भाई कहाँ चले गए तुम? ये वाला मुर्गा। और ये देखिए जी, बस ये एक ही खाती है, यही ये अंडे देती हैं जी सारी। रोज़ ये पाँच मुर्गियाँ तो तकरीबन तीन चार अंडे हमें मिल जाते हैं रोज़ के। ये बहुत अच्छी ब्रीड है, ये देखिए हाईलैंड ब्रीड कहलाती है, और ये अच्छी ब्रीड है। तो ये जो इधर चूज़े मैंने दिखाए ना, ये इन्हीं के हैं, आस्ट्रलोप और हाईलैंड, ये दो जो मेरे पास नस्लें हैं उन्हीं के बच्चे हैं ये मेरे पास। तो ये बहुत अच्छी ब्रीड है, अंडे भी खूब देती हैं, और बेहतरीन तरीके से काम जो है वो चलता है। हमारे घर की खुराक जो है वो पूरी हो जाती है, उसके अलावा दोस्त अहबाब को भी अंडे वंडे दे देते हैं हम, तो ये सिलसिला अच्छा चल जाता है। तो बस एक शौक का शौक है, और कुछ गुजारा भी चल जाता है।